तो हेलो 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 गाइज, वेलकम बैक टू अनदर क्रिकेट 22 वीडियो। सो आज हमारा मैच है नेदरलैंड्स के सामने। इनको अभी हम हल्के में नहीं आ सकते क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दिया था। सो भाई ये मुकाबला बहुत ही बड़ा टक्कर का देखने को मिलेगा। तो भाई ये वीडियो आप पूरी देखना और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलते हैं सीधा टॉस टाइम पे। ओके, तो भाई एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे टॉस टाइम भी हो चुका है। नेदरलैंड के कैप्टन ने सिक्का उछाला, इंडिया ने चुना है हेड्स। अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहली बॉलिंग लूँगा क्योंकि इस बार हमें चेस करना है। लेट्स गो भाई, हम टॉस जीत चुके हैं एंड मैंने पहली बॉलिंग ली है। हियर कम्स द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच एंड फर्स्ट बॉल पे सिंगल मिलेगा विक्रमजीत सिंह को। ओके भाई, जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर अभी तक अच्छा डाला है, 3 बॉल पे ओनली 5 रन दिए और चौथी बॉल पे भी सिर्फ सिंगल ही मिला। विक्रमजीत सिंह थोड़ी अटैकिंग बैटिंग करते हैं तो उनके सामने थोड़ी संभल के हमें बॉलिंग करनी होगी। वेल, संभल के बॉलिंग करने की बात की और जसप्रीत बुमराह ने तो यहाँ पे विकेट ही ले लिया। पहले ओवर की आखिरी बॉल पे विक्रमजीत सिंह को अटैकिंग बैट्समैन को आउट कर दिया बुमराह भाई ने। भाई रिप्ले भी देख लो, जसप्रीत बुमराह को लास्ट 2 मैच से पहले ओवर पे विकेट मिल रही है। इस बार इनसाइड एज लगा, फिर पैड पे लगा एंड केएल राहुल का इजी कैच। चलो भाई सेकेंड ओवर डालेंगे मोहम्मद सिराज। पहली विकेट तो हमें जल्दी मिल चुकी है, क्या सिराज भाई को भी विकेट मिलेगी? वेल, सिराज भाई ने तो पहली बॉल पे सिंगल दिया। वेल, दोनों राइट ही बैट्समैन है तो सिराज भाई के लिए कुछ बड़ी दिक्कत की बात तो नहीं रहेगी। एक और आउटस्विंग बॉल, इस बार भाई सिराज भाई को भी विकेट मिल गई। एक और बार राहुल भाई के हाथ में कैच और 7 रन पे 2 विकेट चली गई है नेदरलैंड्स की। भाई लास्ट 2 मैच से सिराज भाई को भी विकेट मिल रही है स्टार्टिंग के ओवर्स में। यहाँ पे देख लो बहुत अच्छा कैच, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट तो मिली है इस ओवर पे, क्या दूसरी विकेट भी मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। वेल, एक और बार बच गए भाई, इस बार भी विकेट मिलने वाली थी। नाइस भाई, सिराज और जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। इस बार मैंने थोड़ी सी शॉर्ट बॉल रखी है। वेल, शॉर्ट बॉल रखी पर कवर ड्राइव अच्छा खेल दिया, सिंगल तो नहीं मिलेगा पर 2 रन मिल गए। वेल, मोहम्मद सिराज ने तो जसप्रीत बुमराह से भी अच्छी बॉलिंग की है, 5 बॉल में से 4 रन दिए और 1 विकेट भी ली और कोहली भाई के हाथ में दूसरा कैच आया है। एंड भाई मोहम्मद सिराज को पहले ओवर पे 2 विकेट मिली, नेदरलैंड्स ने 10 रन पे 3 विकेट गंवा दिए। इस बार भी सीधा हाथों में कैच। भाई अभी तो नेदरलैंड्स का हाल भी श्रीलंका जैसा हो चुका है। एक और बार मैंने बुला लिया है जसप्रीत बुमराह को क्योंकि पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, क्या पता इस ओवर पे भी उसे विकेट मिल जाए। वेल, इस बार विकेट तो नहीं मिली पर शॉट अच्छा खेल दिया, चौका जरूर मिल गया। जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर पे पहला चौका खाया है, 1 इनस्विंग बॉल। अबे यार इनसाइड एज लग गई, बाकी तो LBW हो सकता था। भाई ये बैट्समैन जसप्रीत बुमराह की इनस्विंग नहीं समझ पा रहा है। एक और इनस्विंग बॉल और भाई जसप्रीत बुमराह की इनस्विंग ये बैट्समैन समझ ही नहीं पाया, दूसरी बार भी इनसाइड एज लगी पर इस बार सीधा स्टंप में जाके लगी। भाई बहुत अच्छी इनस्विंग बॉल, लेग स्टंप निकाल दिया। भाई साहब इंडिया का पेस अटैक तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ बट इस बार तो प्ले इन मिस हो गया और पीछे KL राहुल भी नहीं पकड़ पाए, ये इतना अच्छा बॉल था। भाई रिप्ले भी देख लो, एक और बहुत अच्छी इनस्विंग बॉल, KL राहुल तो भाई बॉल से बहुत दूर थे। चलो भाई बुमराह और सिराज ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि मोहम्मद शमी कैसी बॉलिंग करेंगे इस विकेट पे। वेल भाई बुमराह और सिराज के साथ में शमी भाई ने भी अच्छी बॉलिंग की है, 4 बॉल पे ओनली 3 रन दिए है और ये वाली बॉल भी बहुत अच्छी थी। चलो भाई एक बार फिर से आउटस्विंग रखता हूँ, क्या पता ये जडे और स्लिप के हाथ में जाए। ओ भाई होने ही वाला था ये। सो गाइस फाइनली अभी 5वें ओवर पे रविंद्र जडेजा आ चुके हैं, देखते हैं स्पिनर इस पिच पे कैसी बॉलिंग करेंगे। वेल, जड्डू भाई ने अभी तक तो अच्छी बॉलिंग की है। सो फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर, एक बार फिर से मैंने ऑफ ब्रेक रखी है बट इस बार यार लेट कट खेल दिया, चौका मिल गया। सो गाइस ऑफ ब्रेक रखने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो एक मैं आर्मर बॉल डालूंगा लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। एंड भाई आर्मर बॉल पे भी लेट कट खेल दिया और दूसरा चौका ओवर का। चलो भाई जड्डू भाई ने लास्ट वाली ओवर पे 2 चौके खाए थे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप यादव इसकी विकेट ले सकते हैं। वेल, विकेट तो नहीं मिली पर गैप में शॉट खेल दिया और चौका भी नहीं मिला, नाइस फील्डिंग यहाँ पे। और भाई क्या कर रहे हो समी भाई, जल्दी थ्रो दो, यहाँ पे 3 रन भाग गए। कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 बॉल पे ओनली 6 रन दिए, क्या इस बॉल पे विकेट मिलेगी? और भाई भाई ये देखो यहाँ पे बहुत तेज शॉट गई थी पर सूर्या भाई का बहुत अच्छा कैच। ओके, तो रविंद्र जडेजा आ चुके हैं सेकेंड ओवर लेके, देखते हैं कि इस ओवर पे विकेट मिलेगी कि नहीं। वेल, वहाँ पे फील्डर है और विकेट की बात की और विकेट मिल भी गई, यहाँ पे बहुत ईजी कैच है बुमराह भाई के लिए। भाई नाइस कैच यहाँ पे और रविंद्र जडेजा को विकेट मिल गई।
भाई हमने बॉलिंग की, इससे अच्छा तो हम पहली बैटिंग कर लेते ताकि हम अच्छा टोटल बना पाते और हमारे बैट्समैन की 1-2 50 भी हो जाती। वेल इसी बीच चौका मार दिया भाई, ये बैट्समैन लेट कट बहुत अच्छा खेल रहा है तो मैं थोड़ा स्टंप में बॉलिंग करूंगा अभी। वेल बहुत अच्छी बॉल पर सिंगल नहीं रुक पाया। कुलदीप यादव भी आ चुके हैं अभी दूसरा ओवर लेके। एंड भाई कैच है क्या ये? रोहित शर्मा की बहुत अच्छी एफर्ट बट कैच नहीं हुआ, पहले गिर गई बॉल। नाइस भाई, कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक 3 बॉल पे ओनली 3 रन दिए हैं। चौथी बॉल, ओ भाई बाल बाल बचे। चलो भाई, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और एक और बहुत अच्छी बॉल। सो लास्ट बॉल ऑफ दिस स्पेल, एक बॉल मैं गुगली रखूंगा कुलदीप यादव से। अबे यार यार भाई, ये बैट्समैन लेट कट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेट कट के चलते बहुत सारे चौके लगाए। सो गाइस फाइनली हमारे पेस बॉलर भी आ चुके हैं एक बार फिर से, सिराज भाई आए हैं अभी। अबे यार, यहाँ पे कैच का चांस था भाई, जड्डू भाई यार गलत, मतलब क्या ही बोलूँ यार। गाइस ये देखो, यहाँ पे ये बैट्समैन ने लेट कट खेला पर जड्डू भाई के लिए तो ये बहुत ईजी कैच था, पर जड्डू भाई ने ये कैच ड्रॉप कर दिया, कैच पकड़ने की ट्राई ही नहीं की, बॉल चली गई, बाद में डाइव लगाई। नाइस जड्डू भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो भाई एक बार फिर से मैं वही बॉल रखता हूँ, क्या पता एक बार फिर से कैच का चांस आए। इस बार ग्राउंडेड शॉट खेला है, पीछे फील्डर भाग रहे पर रोक तो नहीं पाएंगे, दूसरा चौका दूसरी बॉल पे। भाई ये सिराज भाई की ओवर बहुत महंगी गई है भाई, कहाँ पे मैं बॉलिंग करूँ, ये फास्ट बॉलर को तो बहुत अच्छा खेल रहा है। सो गाइस मोहम्मद शमी डालेंगे आखिरी ओवर पहले इनिंग की, 74 रन हुआ है स्कोर इनका और उसमें 4 और जोड़ दो, 78 रन हो चुका है अभी तक का स्कोर। तीसरी बॉल पे भाई फ्लिक खेल दिया और भाई तीसरी बॉल पे दूसरा चौका। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, फास्ट बॉलर ने थोड़ी सी खराब बॉलिंग की है पर आखिरी बॉल काफ़ी अच्छी, कोई रन नहीं। 10 ओवर पे ओनली 84 रन हुआ है नीदरलैंड का स्कोर, तो इंडिया के लिए तो ये बहुत ईजी है। सो ये ईजी टारगेट को चेज करने के लिए आ चुके हैं हमारे हिटमैन और शुभमन गिल। देखते हैं हिटमैन शर्मा और शुभमन गिल कितनी ओवर में ये टारगेट को चेज करेंगे। सो फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकेंड इनिंग और भाई रोहित शर्मा का पहली बॉल पे ही कुछ अजीब गरीब शॉट और पहली बॉल पे ही चौका। ये 84 रन का टारगेट में 5 ओवर पे चेज करने को देखूंगा मैं। एक और बार उठा के शॉट खेला है बट वहाँ पे फील्डर, अबे यार मैंने सीधा फील्डर के हाथ में कैच दिया, यहाँ पे 6 रन पे पहली विकेट चली गई इंडिया की। सो गाइस तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे किंग कोहली। सो गाइस आर्यन दत्त ने पहली बॉल पे चौका आने के बाद में अच्छा कमबैक किया है, 5 बॉल पे ओनली 6 रन दिए हैं और लास्ट बॉल पे भी कोई रन नहीं, बहुत अच्छा ओवर। सो गाइस विराट कोहली अपनी पहली बॉल खेल रहे हैं, देखते हैं पहली बॉल पे चौका मारेंगे कि नहीं। वेल भाई कोहली भाई का ट्रेडमार्क शॉट लगा दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड चौका पहली बॉल पे ही मिल गया उनको। सो गाइस विराट कोहली ने चौका मारने के बाद में सिंगल दिया है और शुभमन गिल ने एक बार फिर से सिंगल दिया विराट कोहली को। आर्यन दत्त एक और बार आ गए पहली बॉल दूसरे ओवर की और भाई शुभमन गिल का बहुत अच्छा शॉट, पहला चौका मिल गया उनको भी। चलो भाई शुभमन गिल ने तो ये ओवर पे चौका मारा है, क्या कोहली भाई भी चौका मारेंगे? वेल कोहली भाई तो सीधा छक्का ही मारेंगे, बहुत अच्छी टाइमिंग हुई थी। आर्यन दत्त का फर्स्ट ओवर अच्छा था पर दूसरा ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। एक और बार वही बॉल, एक और बार वही शॉट, इस बार 6 रन मिल गया, 2 बैक टू बैक छक्के मार दिया किंग कोहली ने। विराट कोहली 6 बॉल पे 18 रन पे पहुंच गए। लास्ट बॉल एक और बार वही शॉट, नीचे फील्डर नहीं है, 2 छक्के के बाद में 1 चौका। सो गाइस आर्यन दत्त की आखिरी बॉल, इस बॉल पे मैं संभल के खेलूंगा। वेल संभल के मैंने खेला था फिर भी चौका मिल गया भाई, विराट कोहली पेवेलियन से सेट होके आ चुके हैं। विराट कोहली से मैं 100 के तो नहीं पर 50 के लिए मैं जाऊंगा, 100 तो वैसे कैसे ही हो सकता है, 84 रन का ही टारगेट है तो 100 तो कैसे हो सकता है पर 50 हो सकता है। 10 बॉल पे 30 रन पे पहुंच चुके हैं किंग कोहली। ये वीडियो के अंत में मैं आपको वर्ल्ड कप के पूरे स्टेट्स दिखाने वाला हूँ तो आप ये वीडियो को छोड़ के मत जाना। इसी बीच कोहली भाई का बहुत अच्छा स्टेट डाउन द ग्राउंड शॉट और चौथे ओवर पे 50 रन हो चुका है स्कोर इंडिया का। भाई ये बॉलर की बहुत खराब बॉलिंग, यहाँ पे आखिरी बॉल पे भी छक्का है कि चौका, वैसे ट्रिपल आइडल की टाइमिंग हुई थी, चौका ही मिला, पर ये बॉलर की काफ़ी ख़राब बॉलिंग, एक भी फील्डर बाउंड्री के पास नहीं रखा, सभी फील्डर सर्कल के अंदर थे। भाई शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच में 50 की पार्टनरशिप भी हो गई, दोनों ही बहुत अच्छा खेले हैं। चलो भाई शुभमन गिल ने तो अपना काम कर लिया है सिंगल दे के विराट कोहली को, अभी विराट कोहली को 50 मारना है तो उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वेल भाई बहुत अच्छा शॉट था और एक और चौका मिल गया, एक भी फील्डर भाई बाउंड्री के पास नहीं है, बहुत ख़राब कैप्टनशिप। कोहली भाई की स्ट्राइक रेट तो देखो, 15 बॉल पे 42 रन,
प्लीज भाई फील्डर के हाथ में नहीं भाई, बहुत दूर थी फील्डर से। 46 रन पे पहुंच चुके हैं विराट कोहली। विराट कोहली एक बाउंड्री से दूर है अभी। वेल बहुत अच्छा शॉट यॉर्कर बॉल पे। भाई ऐसी बॉलिंग मत किया करो भाई, सामने फील्डर रखा करो तो ही हमें रोक पाएंगे। पर हमें तो क्या, हमें तो यहाँ पे 50 रन मिल गए विराट कोहली के 17 बॉल पे 50 रन। बहुत तेज खेले है विराट कोहली भाई। यहाँ पे बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि विराट कोहली बहुत स्लो खेलते हैं, पर देख लो यहाँ पे 17 बॉल पे 50 रन मार दिए। चलो भाई अभी शुभमन गिल का ये काम है कि जल्दी इस मैच को ख़त्म करे। 29 बॉल पे चाहिए 17 रन। वेल बहुत ख़राब बॉल डाली और इसी बीच शुभमन गिल को छक्का मिल गया। सो गाइस फ्री हिट बॉल एक बार फिर से शुभमन गिल को मिल चुकी है। क्या शुभमन गिल इस बार चौका मारेंगे कि नहीं? वेल इस बार चौका तो नहीं पर छक्का ही मार दिया फ्री हिट बॉल पे। और इस विनिंग शॉट के साथ में ये मैच भी जीत चुका है, मतलब इंडिया ये मैच जीता ना। जी हाँ, यहाँ पे इंडिया ही ये मैच जीत चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट था और 9 विकेट से ये मैच जीत चुका है। नेदरलैंड के सामने कुछ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया हमें खेलने में, क्योंकि ये वन साइडेड मैच था। बाय द वे इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली, जितने 17 बॉल पे 50 रन मारे हैं। तो चलो अभी मैं आपको स्टार्ट्स भी दिखा देता हूँ। सो ये है पूरे स्टार्ट्स वर्ल्ड कप के। आप देख लो यहाँ पे बैटिंग में सांटो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा है, बॉलिंग पे हमारे लेग स्पिनर कुलदीप यादव 14 विकेट के साथ में सबसे पहले नंबर पे है। केशव महाराज तो बहुत दूर है उनके। प्लेयर ऑफ द सीरीज में टेम्बा बाउमा, जॉन बनेगा डॉन भाई पहले नंबर पे है प्लेयर ऑफ द सीरीज में टेम्बा बाउमा। टॉप परफॉर्मेंस में टॉप स्कोरर में है रोहित शर्मा, बेस्ट बॉलिंग में है हार्दिक पंड्या जो अभी इंजर्ड हो चुके हैं, मोस्ट सिक्स में है स्टीवन स्मिथ। भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, स्टीवन स्मिथ मोस्ट सिक्सेस में, मोस्ट कैच में केएल राहुल 11 कैच आए, मोस्ट विकेट में कुलदीप यादव। तो यहाँ पे आप स्टैंडिंग भी देख लो, यहाँ पे हमारे गेम में यहाँ पे इंडिया सबसे पहले नंबर पे है, रियल में भी पहले नंबर पे है और गेम में भी। दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम हमारे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेली। तीसरे नंबर पे है अफगानिस्तान, नाइस भाई अफगानिस्तान तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है न्यूजीलैंड, नाइस चौथे नंबर पे तो रियल में भी न्यूजीलैंड है। सो या गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो आशा करता हूँ कि आपने ये पूरे स्टार्ट्स देख लिए होंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।